मैं तनुश्री और आप देखते रहिए भोजपुरी बातें। भाई यहाँ तुर आ गया तो देखिए, गुड विशेस देने की तो जहाँ तक बात है उसके साथ हमेशा हमारी रही है। शुरू से उसने काम करा है मेरे साथ और मुझे माँ बोलती थी, और क्योंकि कैरेक्टर जो प्ले किया था उत्तरण में, मेरी बहू का कैरेक्टर प्ले किया था, और मतलब इतनी कामयाबी, आहिस्ता आहिस्ते चुपके चुपके आगे बढ़ने वाली बच्ची ने आज प्रोडक्शन हाउस खोला है, ये बहुत ही गर्व की बात है। और मेरी दुआएं हमेशा उसके साथ हैं। मेहनती है काम में भी और अपने फोकस में तो बहुत ही क्लियर है, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट आप देख ही रहे हैं कि आज उसने अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लिया है। और मैं बहुत खुश हूँ और मेरी यही शुभकामनाएं हैं, दुआएं हैं उसके साथ कि वो दिन दुनी रात चौकनी तरक्की करे और नाम अपने प्रोडक्शन हाउस या प्रोड्यूसर में सबसे ऊपर उसका। और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, मतलब पक्का विश्वास है कि वो उस चोटी, उस शिखर तक पहुंचेगी, क्योंकि उसमें ये दिली तमन्ना और मेहनत का जो जोश है उस लड़की में, वो आज उसने पूरा कर दिखाया। उसके लिए तो मैं कोई टिप नहीं दे सकती, बिकॉज आई एम तो एक्ट्रेस, बाकी मैं उसको टिप देने वाली नहीं कोई भी होती हूँ, क्योंकि उसका इतना फोकस क्लियर है अपने आप में कि अगर वो यहाँ तक पहुँची और उसने प्रोडक्शन हाउस जैसी चीज ओपन की है, तो मुझे लगता है कि उसको किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर कोई विदाउट सलाह एक प्रोडक्शन हाउस खोल सकता है, यानी कि वो अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर है। ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है, देखा जाए तो सबसे डिफिकल्ट काम यही होता है कि पूरा प्रोडक्शन, जो भी कोई फिल्म हो या सीरियल हो, पूरा हैंडल प्रोडक्शन हाउस ही करता है, आर्टिस्ट का हैंडल करता है। इसी डिफिकल्टी आती है ओवरऑल, क्योंकि आपने सभी कुछ देखा हुआ है। देखिए, डिफिकल्टीज तो बहुत आती हैं, लेकिन अगर कोई एक प्रोडक्शन हाउस खोल रहा है तो उन डिफिकल्टीज को सोच कर उसने ये चीज़ का लिए कदम बढ़ाया, और अगर कदम बढ़ाया उसका रिजल्ट भी हमें दिख रहा है। और डिफिकल्टीज तो देखिए कोई मायने नहीं रखती हैं, अगर हम किसी चीज़ में कदम बढ़ाते हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, उनको क्रॉस करते हुए अपना रास्ता बनाते हैं। जैसे हम सब आर्टिस्ट हैं, मैं दिल्ली से हूँ, दिल्ली से आई हूँ, और जब मैं आई थी 95 में तो मुझे नहीं मालूम था कि मैं इतना नाम कमा लूँगी या इतने बड़े स्केल पर काम करूँगी। तो डिफिकल्टीज ऐसा नहीं है कि हमारे रास्ते में नहीं आई है, बहुत आई हूँ। उन डिफिकल्टीज को क्रॉस करते हुए अपनी राह बनाना, ये बहुत बड़ी बात है, और उसने ये सारी डिफिकल्टी उसने भी क्रॉस करी है और प्रोडक्शन हाउस खोला है। प्रोडक्शन हाउस के रास्ते में जो भी डिफिकल्टी आएगी उसका सामना करते हुए वो आगे बढ़ेगी, कि उसमें वो एंथो है। मेमोरीज बहुत सारी हैं उत्तरण में, तो इतनी सारी मेमोरीज हैं कि हमेशा सबसे बड़ी बात है कि माँ कह के शब्द वो मुझे पुकारती थी और हमेशा प्यार करती थी। बीच में काफ़ी दूरियां भी हो गई और मतलब फिर भी हम मैसेजेस में जुड़े रहे, और आज कल जब उसका मैसेज आया कि माँ मैंने ऐसे ऐसे प्रोडक्शन हाउस ओपन किया, पहले तो मैसेज आया, फिर सुबह सुबह उसका फ़ोन आया कि आपको आना है, आशीर्वाद देना है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसको आशीर्वाद देने ना आऊँ। पहले हमारे घर आमने सामने हुआ करते थे, आते जाते थे, सब पूछा, फिर वो अपने प्रोफेशनल दौड़ में आगे अपनी राह बनाती चली गई, बीच में काफ़ी गैप आ गया, लेकिन जैसे ही कल उसका फ़ोन आया तो मेरे तो पैर रुके नहीं आने के लिए, और मैं इतनी खुश हुई कि मैंने कहा अरे इतना बड़ा कदम उसने उठा लिया। इससे पहले जब उसने भोजपुरी फिल्म का बताया तो हमारा उत्तरण का एक ग्रुप बना हुआ है, तो सबने मतलब एकदम वो करा, और मतलब मैं उसके लिए ये कहना चाहूंगी कि उस लड़की में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बहुत मेहनती है, और जो अपना एम बनाकर वो सोचती है उसको वो पूरा करती है, अब तक करती आई और आगे भी करती रहेगी, मुझे पूरी आशा है। दुनी रात चौगनी तरक्की करो, ये मेरी शुभकामनाएं तुम्हें। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.